ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। केएल राहुल बहुत ट्रोल हो रहे हैं, पहले पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ राहुल का बल्ला नहीं चला और एक बार दफ़ा वह बोल्ड हुए जबकि एक दफ़ा उन्हें LBW दिया गया। हालांकि इस LBW जो नीदरलैंड्स के खिलाफ हुआ उसके बारे में विद्वतजनों का मानना है कि DRS लिए जाने पर वह बच सकते थे, लेकिन जो चीज़ ली ही नहीं गई उसकी क्या बात करनी। तो बात करेंगे केएल राहुल की फॉर्म, उससे उपज रही चिंता और टीम में उनकी जगह लेने के लिए खड़े खिलाड़ियों की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आप ही का अपना प्रोग्राम सिली पॉइंट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक कार्ड वायरल है, इसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में केएल राहुल के हालिया प्रदर्शन का जिक्र है। इस ग्राफिक को देखेंगे तो पता चलेगा कि राहुल अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, हांगकांग जैसी टीम्स के खिलाफ सही रन बना रहे हैं, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स के आगे आते ही उनकी फॉर्म ध्वस्त हो जाती है। इस कार्ड को इग्नोर भी कर दें तो भी बड़े टूर्नामेंट्स में राहुल का हालिया प्रदर्शन जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है। शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे ओपनर्स के होते हुए अगर राहुल ऐसी बैटिंग करेंगे तो टीम को निश्चित तौर पर उनसे आगे देखना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। राहुल पर टीम का भरोसा अभी भी कायम है, जबकि राहुल ने अक्सर बड़े मौकों पर निराश ही किया है। वह लगातार बड़ी टीम के खिलाफ फेल होते आए हैं, लेकिन टीम उनसे आगे देखे तो उन्हें रिप्लेस कौन करेगा, खासतौर से इस वर्ल्ड कप में राहुल नहीं तो कौन? सवाल बड़ा है, जवाब भी कायदे का होना चाहिए। और इस जवाब के रूप में हमारे पास कम से कम दो नाम हैं जो अभी राहुल को रिप्लेस कर सकते हैं, और इन नामों में सबसे पहले तो ऋषभ पंत ही आएंगे। पंत, जिन्हें कुछ ही हफ्तों पहले तक टीम इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर माना जाता था, पंत से लोगों को बहुत उम्मीद होती थी, लेकिन वर्ल्ड कप के दो मैच बीत चुके हैं, पंत बेंच पर ही बैठे हुए हैं। पंत लंबे वक्त से टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हैं, ये बात सभी जानते हैं, और जब राहुल का बल्ला नहीं चल रहा तो टीम को अपने एक्स फैक्टर को वापस नहीं लाना चाहिए। पंत के साथ एक और सही बात है, वह मिडिल ऑर्डर में खेलने के साथ ओपन भी कर सकते हैं, यानी उन्हें सीधे राहुल की जगह उतारा जा सकता है। टीम ने पहले भी ऋषभ से ओपनिंग कराई हुई है, ऐसे में वह सीधे तौर पर राहुल को रिप्लेस करने वाले प्लेयर बन सकते हैं। पावर प्ले में खेलने के मौके मिले तो क्या पता पंत का T20 इंटरनेशनल करियर भी पटरी पर लौट आए। पंत के अलावा हमारे पास दीपक हुडा का भी विकल्प है। हुडा अभी तक भारत के लिए बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, लेकिन इन लिमिटेड मौक़ों में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हुडा की खासियत यह है कि वह किसी भी पोजीशन पर बैटिंग कर सकते हैं, साथ ही वह बॉलिंग में भी एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। हुडा एक ऑफ स्पिनर है और जरूरत पड़ने पर वह कुछ ओवर्स आसानी से निकाल सकते हैं, साथ ही बाउंड्री पर उनकी चुस्त फील्डिंग भी टीम के काफ़ी काम आ सकती है। हुडा ने अभी तक भारत के लिए 9 पारियों में लगभग 42 के एवरेज और लगभग 156 की स्ट्राइक रेट से 293 रन बनाए हैं, यानी हुडा न सिर्फ लगातार बल्कि तेजी से रन जोड़ सकते हैं। हुडा को टीम मिलाकर विराट से ओपन कराया जा सकता है, ऐसे में सूर्या नंबर 3 और हुडा नंबर 4 खेल सकते हैं, या चाहे तो हार्दिक को 4 खिलाकर हुडा को 5 पर उतार दें। हुडा के आने से न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन हुडा या पंत को खिलाने के लिए आपको राहुल को बिठाना होगा। वही राहुल जिन्हें इंडियन टीम लीड करने वाले भविष्य के लीडर्स में से एक माना जाता है, जो कई मौकों पर टीम इंडिया को लीड भी कर चुके हैं और तमाम आलोचनाओं के बाद भी जिन्हें कई दिग्गज दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं। हालांकि सच ये भी है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए राहुल को बाहर करना इतना कठिन फैसला तो नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार आसान फैसले लेना ज़्यादा कठिन होता है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे, आपके लिए एपिसोड शूट किया है जतिन ने, शुक्रिया।